दोस्तों, खोर्धा जिला ओडिशा राज्य का एक छोटा सा शहर है जो मंदिर शहर भुवनेश्वर के पास स्थित है। लेकिन यह शहर खोर्धा कई पत्थर के स्मारकों, पत्थर के ग्रंथों और सुंदरता से भरपूर गुफाएं से सुशोभित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल का न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं खोर्धा जिला की 10 प्रमुख पर्यटन स्थान के बारे में बताऊंगा। बने रहे हमारे साथ वीडियो की एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देखने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर सेट कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं खोर्धा में घूमने की खास जगहों के बारे में। नंबर एक पर आता है भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी है, जिसे प्राचीन काल में कलिंग साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। भुवनेश्वर भारत के टेंपल सिटी के रूप में जाना जाता है। इसकी बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिरों के कारण इनमें से सबसे उल्लेखनीय लिंगराज मंदिर, केदार गौरी, राम मंदिर, रामेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर आदि है। इस शहर में आकर्षण भी है, जैसे ओडिशा राज्य संग्रहालय, बिंदुसार टैंक, रविंद्र मंडप, राजभवन, विधानसभा, नंदनकानन, सिटी पार्क और गार्डन आदि। ये उड़ीसा के प्रमुख शॉपिंग सेंटर में से एक है। नंबर दो पर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं खोर्धा की प्रमुख आकर्षण है। भुवनेश्वर में स्थित इन दो पहाड़ियों का वातावरण काफी निर्मल है। उदयगिरी और खंडगिरी में कई प्रसिद्ध जैन मठ हुआ करते थे। इन मठों को पहाड़ियों की चोटी पर चट्टानों को काट कर बनवाए गए कक्षों में चलाया जाता था। इन्हीं कक्षों को आज आप गुम्फा के रूप में देख सकते हैं। ये मठ काफी प्राचीन है। इनमें से कुछ गुम्फाओं में नक्काशी भी की गई है। ये एक दो ताला गुम्फा भी है, जिसे रानी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। इन गुम्फा को ढेरों नक्काशियों से सजाया गया है। यहाँ एक और बड़ी गुम्फा है, जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी में जहाँ 18 गुम्फाएं है, वही खंडगिरी में 15 गुम्फाएं है। नंबर तीन पर धौलीगिरी पर्यटकों के बीच काफी चर्चित है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ चट्टान का एक राजा ज्ञान है, जिसे मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाया था। इस राजा ज्ञान को 3री शताब्दी में लगाया गया था। इतिहास प्रेमियों के लिए धौलीगिरी एक आदर्श स्थान है। इस सुंदर स्थान का वातावरण भी काफी खुशनुमा है। इस जगह पर आराम फरमाते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धौली पहाड़ियों में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म की निशानियां में भी पाई गई है। पहाड़ी की चोटी पर सफेद रंग का चमकदार पगोड़ है, जिसे 1970 में बनवाया गया था। इस पगोड़ से यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। नंबर चार पर शिशुपालगढ़ एक प्राचीन किला है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले को भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है और फिलहाल इसका देखरेख शानदार तरीके से किया जा रहा है। शिशुपालगढ़ एक संरक्षित ऐतिहासिक इमारत है। शिशुपालगढ़ के पुराने शहर के अवशेष राजधानी भुवनेश्वर के पास पाए गए हैं। शिशुपालगढ़ की खूबसूरती से मोहित होकर बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। लोग आज भी इसके निर्माण कला को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। आज ये जगह आम आदमी से लेकर इतिहासकार को अपनी ओर खींचता है। नंबर पाँच पर है भुवनेश्वर में स्थित नंदनकानन चिड़ियाघर। 400 हेक्टर में फैला नंदनकानन जू के साथ साथ बाटन गार्डन भी है। इसे 1979 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। ये भुवनेश्वर के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में एक है। अगर आप बच्चे के साथ भुवनेश्वर घूमने जा रहे हैं, तो फिर आपको ये जू अवश्य जाना चाहिए। करंजिया झील और चंदका वन्यजीव अभयारण्य के हरे भरे जंगलों के बीच स्थित नंदनकानन जू की प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और कुछ दुर्लभ पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। यहाँ करीब 126 प्रजाति के जानवर रहते हैं, जिनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। यहाँ वीकेंड और त्योहार के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। नंबर छः पर भुवनेश्वर से करीब 42 किलोमीटर दूर हरियाली के बीच बसा अटरी एक छोटा सा गांव है। यहाँ गंधक के गर्म पानी के कारण इसकी खाति दूर दराज तक है। इसके पानी का तापमान 55 डिग्री तक रहता है। सबसे रोचक बात यह है कि झरने के पानी का तापमान पूरे साल एक समान रहता है।
स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि झरने के पानी से कई बीमारियां ठीक होती है। झरने के पास ही नहाने की एक जगह भी बनी हुई है जहां पर्यटक स्नान कर सकते हैं। गर्म पानी के झरने के अलावा यहां भगवान घटकेश्वर को समर्पित एक मंदिर भी है। झरने को आप पूरे साल कभी भी घूम सकते हैं। वहीं जनवरी मध्य में पड़ने वाले मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। नंबर 7 पर है चिलिका लेक। प्राकृतिक सुंदरता की रानी चिलिका एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जो पर्यटक के लिए मछली पकड़ने, पक्षी देखने और नौका विहार के लिए एक बड़ा आकर्षण है। शीतकाल में चिलिका दूर दूर से हजारों देशी और प्रवासी पक्षियों के साथ बह जाती है। चिलिका की शानदार सुंदरता जिसने कवियों को अपनी महिमा गाने के लिए प्रेरित किया है और जिसे बालुगा बरकुल से सबसे अच्छा आनंद लिया जा सकता है। इन चौकों के पास सड़क पर चलती ट्रेनों और वाहनों से भी झील के नज़ारे देखे जा सकते हैं। एक तरफ पानी के नीले बिस्तर और दूसरी तरफ सदाबहार पहाड़ियों के बीच वातावरण बिल्कुल शांत और अशांत है। नंबर 8 पर आता है वरुणेई मंदिर। ये मंदिर प्रसिद्ध वरुणेई पहाड़ पर स्थित है। ये भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। देवी वरुणेई खोर्धा के प्रसिद्ध देवी है। पहाड़ियों से एक धारा बहती है जिसे स्वर्णगंगा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर 9 पर आता है ब्यारेस डैम। ब्यारेस और झुमका ये तो पिकनिक स्पॉट है जो तीन तरफ से घने जंगल से घिरे हैं। ये सर्दियों के मौसम के दौरान पिकनिक मनाने वालों के साथ लोकप्रिय है, जहाँ हजारों पिकनिक मनाने वाले लोग आते हैं। जंगलों और शानदार प्राकृतिक रेंज जलाशयों को सुशोभित करता है। रिलैक्सेशन और कैंपिंग के लिए ये जगह खोर्धा में सबसे आगे है। उस पर है ओडिशा स्टेट म्यूजियम। दो महान इतिहासकार प्रोफेसर घनश्याम दास और प्रोफेसर एनसी बनर्जी के अथक प्रयास का नतीजा है। 1932 में उन्होंने पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण का काम शुरू किया था और 1938 में ओडिशा सरकार ने इस संग्रहालय को अपने अंतर्गत ले लिया। उस समय से इसे प्रांतीय म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। तब से लेकर अब तक इस संग्रहालय ने खूब लोकप्रियता अर्जित की है। यहाँ आप कुछ दुर्लभ प्रतिमा, मुद्रा शास्त्र, टेराकोटा की चीज़ें और तांबे की थाली, ललित कला के कुछ उदाहरण और अन्य दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। म्यूजियम में कुछ पुरा और दुर्लभ सिक्कों की बेहतरीन संकलन है।